What is sieving? Sieving it around only fine flour particles to pass through them. ठीक है? Sieving means क्या होता है? See figure 5.6. He is sieving flour particles. ठीक है? He is removing stones, husks and any other impurities from the wheat flour. ठीक है? Wheat flour से जो भी impurities आपकी होगी sieving. Sieving में कुछ चलनी होती है, ठीक है? ये आपके जो फ्लोर होंगे जो आटे होगा वो आपका अलग प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा और जो भी इम्प्योरिटी रहेगा वो आपका सीव में कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है? दिस इज कॉल्ड सीविंग. इट रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन्स स्ट्रॉ एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद द वेट फ्लोर. ठीक है? सो सीविंग इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज एंड फाइन फ्लोर पार्टिकल्स. सीवन फ्लोर पार्टिकल्स जो कि आपके ठीक है उसी को ये प्योर फॉर्म में करेगा. ठीक है? उसमें से इम्प्योरिटीज अलग करेगा. बट अगर हम चाहें सॉलिड मतलब मींस इफ यू वांट टू सी राइस राइस भी एक प्रोसेस यूज करें सो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द राइस. ठीक है? सो वी यूज फ्लोर पार्टिकल्स. हम फ्लोर पार्टिकल्स जैसे आटा हो गया कोई भी चावल किसी का भी आटा कॉर्न फ्लोर हो गया वेट फ्लोर हो गया. ठीक है? मैं आपको ये सारे फ्लोर यूज होते हैं इस प्रोसेस में. तो बाय सीविंग वी कैन रिमूव स्टोन्स हस्क एंड एनी अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फ्लोर. इज दैट क्लियर? सिमिलरली फिजी फिगर 5.7 इज सीविंग सैंड एंड रिमूविंग पेबल्स एंड स्टोन्स. देखो ये क्या कर रहा है? सीव कर रहा है सैंड को. इसमें डाल रहा है तो उसमें जो आपके स्टोन्स और पेबल्स है वो आपके सीव पे मतलब जो आपका नेट रहेगा उस पर इकट्ठा हो जाएगा एंड जो आपके सैंड रहेंगे वो आपके प्योर फॉर्म में नीचे आपके इकट्ठा हो रहे हैं. ठीक है? सो दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड. यस. Means heavier particles settle at the bottom and
एंड वाटर आपका क्या हो जाएगा, इट इज रिमूव आउट फ्रॉम द प्लेट फ्रॉम एनीथिंग एल्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ठीक है, नाउ व्हाट इज डिकैंडेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. व्हाट इज द डिकैंडेशन, व्हेन द वाटर अराउंड विद द डस्ट इज रिमूव्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंडेशन. जब वाटर को हम रिमूव करते हैं अराउंड विद डस्ट के साथ, मीन्स फिगर देखो, फिगर में क्या है, वाटर वी आर रिमूविंग वाटर अराउंड विद द डस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंडेशन. ठीक है, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अलॉन्ग विद द डस्ट. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंडेशन एंड व्हेन द हैवियर कॉम्पोनेंट सेटल एट द बॉटम आफ्टर एडिंग वाटर इन टू इट, दिस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ठीक है, एनी डाउट्स? जो आपको फिर स्ट्रेनर से जो आपको लिक्विड मिलेगा दैट इज कॉल्ड टी. मैंने आपने देखा है चाय बना
छन्नी से छानती है ना आप चाय को, ताकि इसमें जो चाय पत्ती और अदरक वो सारी अलग हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस आपकी फिल्ट्रेशन हो गई। दैट्स इट, सिंपल सी थिंग है। जब जो भी आपका
जबकि डस्ट पार्टिकल्स होंगे लाइटर इंप्योरिटीज रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स में जैसे नॉर्मल सा ड्राई बीज भी हो सकती है, ठीक है, कुछ आपकी जो भी इंप्योरिटीज होगा वो आपकी क्या हो जाए वाटर के साथ साथ अलग हो जाए, वाटर के साथ जो डस्ट को लेकर अलग हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। इज इट क्लियर? Thank you.
means dust, impurities, anything else. ठीक है, तो it goes away with the water. Water के साथ वो बाहर जा रही है. तो this process is called sedimentation. Any other doubts? Yes, Priyanshu Kumar. Priyanshu Kumar, what's your question? Okay, Shlok Kumar. And I have some fish. Okay, thank you, guys.